नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं DRV न्यूज़। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बात करेंगे वसई विरार की, जहां पर कोरोना के पिछले 24 घंटों में 198 नए मामले सामने आए हैं, जबकि यहाँ पर एक्टिव मामले 946 बचे हुए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 29,890 बताई जा रही है, जबकि 907 लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कल्याण डोंबिवली की। तो कल्याण डोंबिवली में नए मामले जो सामने आए हैं उसका आंकड़ा 881 बताया जा रहा है, जबकि एक्टिव केस 5,929 है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 65,690 बताई जा रही है और 1,200 लोगों की मृत्यु हो गई है। बात करेंगे उल्लासनगर की। तो उल्लासनगर में पिछले 24 घंटों में 71 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो यहां पर एक्टिव केस 790 बताए जा रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,760 बताई जा रही है, जबकि 376 लोगों की मृत्यु हो गई है। उल्लासनगर के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबरनाथ की। तो अंबरनाथ में भी नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो अंबरनाथ में पिछले 24 घंटों में 108 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 744 है। 8,730 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 318 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे अंबरनाथ के बाद, अब बात करेंगे बदलापुर की। बदलापुर में भी नए मामले सामने आए हैं। बदलापुर की बात करें तो यहाँ पर 159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 386 बताए जा रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 10,735 है और 131 लोगों की मृत्यु हो गई है। बदलापुर के बाद अब बात करेंगे नवी मुंबई की, जहाँ पर नवी मुंबई में पिछले 24 घंटों में 519 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो नवी मुंबई में एक्टिव केस 3,637 बताए जा रहे हैं। साथ ही डिस्चार्ज की बात की जाए, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 56,200 बताई जा रही है। वहीं मृत्यु दर यहां पे यदि बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 1,198 लोगों की मौत हो गई है। पनवेल की बात करेंगे, पनवेल में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। पनवेल में 283 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस पनवेल में 1,859 है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 31,058 बताई जा रही है, जबकि 663 लोगों की मौत हो गई है। तो ये थे कोरोना के ताज़ा मामले। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, सभी से दिशा निर्देश जो जारी किया गया है उसे पालन करने की गुजारिश DRV न्यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उसका सख्ती से पालन करें, ताकि हम इस कोरोना से लड़ सके, इसे बच सके। इस खबर को आप पसंद ज़रूर करिएगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।